हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। आपके अपने चैनल द ब्रिज में मैं सुरेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ पब्लिकेशंस बुक के सीरीज को चालू कर रखे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और उसमें प्रीवियस ईयर के ओवरऑल इंडिया के हम क्वेश्चन को लिए हैं जो कि हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए समय ना गवाते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमको दिया है 76 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है व्हाट लियोनार्ड कंट्रोल डीसी ड्राइव आर जनरली यूज फॉर, अर्थात व्हाट लियोनार्ड नियंत्रण डीसी ड्राइव सामान्यतः प्रयोग होता है। तो यह किस में होता है? यह हम जानते हैं कि जो व्हाट लियोनार्ड कंट्रोल से जो हैवी ड्यूटी में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है हैवी ड्यूटी एक्सकेवेटर में। ओके, अर्थात भारी ड्यूटी उत्खनक में यूज़ होता है। ओके, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। चलिए आगे दिया है ऑप्शन सी वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण डीसी ड्राइव सामान्यतः भारी ड्यूटी उत्खनक में प्रयोग होते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर की गति नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से होती है। इस विधि से 1 RPM से लेकर 2000 RPM तक की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, अर्थात एक आर्मेचर नियंत्रण डीसी मोटर का अभी लाक्षणिक समीकरण का क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम हम जानते हैं, इसका क्रम थर्ड होता है थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ओके, चलिए इसके बारे में और आगे देख लीजिए। ओके, इसके बारे में आगे दिया हुआ है ऑप्शन डी, एक आर्मेचर नियंत्रण डीसी मोटर का अभिलाक्षणिक समीकरण तृतीय क्रम का समीकरण होता है। डीसी मोटर के आर्मेचर कंट्रोल में सिर्फ बेस गति से नीचे की गति ही प्राप्त की जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और फ्लक्स कंट्रोल में जो मैक्सिमम गति को हमारे जो रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। ओके, आगे बोला गया है इस नियंत्रण को सदैव कॉन्स्टेंट टॉर्क मोड भी कहते हैं, इसमें गति बेस गति से ऊपर नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। बोला गया है द आर्मेचर वाइंडिंग इन ए डीसी मोटर आर प्लेस्ड ऑन, अर्थात डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर स्थापित किया जाता है, किसके ऊपर। तो हम जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर में आर्मेचर होता है और आर्मेचर में हम जो है वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए किस में किसके ऊपर स्थापित करते हैं, तो हम करते हैं रोटर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ओनली रोटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन बी, डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग केवल रोटर पर रखा जाता है। आर्मेचर मशीन का घूमने वाला भाग होता है तथा इसके घूमने से चालकों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। दिष्ट धारा जनित्र में इन चालकों में प्रेरित धारा को दिक् परिवर्तक तथा ब्रशों की सहायता से एकत्रित करके बाह्य परिपथ में भेजा जाता है और इसके आर्मेचर कोर में मोटी उच्च चुंबकशीलता वाला सिलिकॉन स्टील का की पटलित पत्तियों से बनी होती है तथा प्रत्येक पत्ती पर वार्निश की परत चढ़ा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है ए डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 1200 RPM व्हेन एक्साइटेड विथ 220 वोल्ट डीसी, नेगलेक्टिंग लॉसेस एंड सेचुरेशन की कंडीशन में। बोला गया है ओके, और आगे बोला गया है व्हाट इज स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन
कनेक्टेड टू 175 वोल्ट डीसी सप्लाई? अर्थात बोला गया है एक डीसी शंट मोटर 1200 आरपीएम पर कार्यरत है, जब उसे 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज पर संचालित किया जाता है, सभी प्रकार के हानियाँ तथा संतृप्तता को नगण्य मानते हुए मोटर की गति ज्ञात करें जब उसे 175 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जोड़ा जाए। ठीक है, उसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ओके, ऑप्शन इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1200 आरपीएम, और हम वो कैसे आया उसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए इसमें दिया गया है ऑप्शन डी, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज समानुपाती होता है बैक ईएमएफ के, और बैक ईएमएफ समानुपाती होता है एन स्पीड एन फ्लक्स फाई, तो वो भी फ्लक्स फाई कॉन्स्टेंट होता है, अतः हम स्पीड जानते हैं, स्पीड जो होता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं नीचे। चलिए इसमें दिए जब पे हमको दिया हुआ है 220 सप्लाई वोल्ट पर फील्ड फ्लक्स फाई, और 175 सप्लाई वोल्टेज पर फील्ड फ्लक्स फाई अपॉन 220 इंटू 175 पहले दिया है हमको। ओके, तो हमारा वैल्यू जा जाएगा 0.795 आ जाएगा। ओके, सो फिर हम फॉर्मूला जो हमारा होता है एन वन बाई एन टू इजकल वी वन अपॉन एक फाई वन इंटू फाई टू अपॉन वी टू, इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, 220 अपॉन फाई 0.795 अपॉन 175, तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, 1 आएगा, उसके बाद इसको हम एन इजकल एन टू इजकल हमारा जो होगा, इसको पूरे को शॉर्ट आउट करेंगे तो सारा को तो हमारा आ जाएगा 1200 आरपीएम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ए 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर टेकन 40 एम्पियर व्हेन गिवन इट्स रेटेड आउटपुट एट 1500 आरपीएम, इट्स रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन रेटेड टॉर्क एट 1000 आरपीएम। अर्थात एक 240 वोल्ट एक 240 वोल्ट डीसी श्रृंखला अर्थात श्रेणी मोटर को 40 एम्पीयर धारा की आवश्यकता होती है जब वह 1500 आरपीएम पर रेटेड अर्थात निर्धारित आउटपुट देता है। इसका प्रतिरोध 0.3 ओम है, और इस उस प्रतिरोध का मान क्या है जिसे सामान्य प्रतिरोध में जोड़ा जाए। ओके, सामान्य प्रतिरोध में जोड़ा जाए ताकि 1000 आरपीएम पर निर्धारित आघूर्ण उत्पन्न हो। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। तो ये जो हमारा होता है इससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1.9 ओम आ जाएगा। ओके, ये किस प्रकार आया उसको हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ईवन बराबर क्या होता है हमारा, ईवन बराबर जो होता है मोटर की कंडीशन में है ना, ईवन बराबर वी माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम। ओके, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो सबका वैल्यू पुट कर लेंगे है ना, तो उसके बाद में हमें क्या इधर मिला है 228 वोल्ट। उसके बाद में ई टू निकालेंगे, ई टू में वी वी का वोल्ट वी का वैल्यू रखेंगे, करंट का वैल्यू रखेंगे और रेजिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे, तो हमको जो फाइनली यहाँ पे मिलेगा ए टू में जो मिलेगा 40 आर टू मिलेगा। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद में फॉर्मूला जो E1 बाई E2 में हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, ओके सबका वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे मिलेगा 1.5। और जब फाइनली हम सबको शॉर्ट आउट करेंगे, ओके जितने भी दिया है उनको सारे को शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे को जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो R2 का मिलेगा, 1.9 ओम मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 200 वोल्ट 2000 RPM 10 एम्पेयर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स। रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर। इफ द आर्मेचर ड्रॉज 5 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। अर्थात हिंदी में बोला गया है, एक 200 वोल्ट 2000 RPM रेटिंग के एक 10 एम्पीयर पर संचालित मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम है। आर्मेचर तथा मोटर की फील्ड वाइंडिंग दोनों पर एक रेटेड निर्धारित डीसी वोल्ट लागू किया जाता है। यदि आर्मेचर सोर्स से 5 एम्पीयर धारा प्राप्त करता है तब मोटर में विकसित बल आघूर्ण कितना होगा। तो उसका बल आघूर्ण जो होगा 4.29 NM होगा, ओके न्यूटन मीटर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं नीचे हम सॉल्यूशन, ओके नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, ओके फ्रेंड्स सो इन फॉर्मूले में जो है हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको जो है आप इसको सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए पूरा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो हमको फाइनल वैल्यू जो आएगा 4.29 NM हो जाएगा, ओके क्योंकि ये सारा इसको मैं आपको बताता हूँ जो आप एक बार देख सारा सोल्व किया हुआ है, ओके फ्रेंड्स। तो आप इसको समझ लें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मैसेज कर दिएगा तो हम आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ए 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर विथ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एस ए फुल लोड करंट ऑफ 40 एम्पेयर। व्हाट इज द रेशियो रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। अर्थात एक 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर जिसके आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है का संपूर्ण लोडेड धारा 40 एम्पियर है। मोटर के बाधे तथा रुकावट आघूर्ण तथा संपूर्ण लोडेड आघूर्ण का अनुपात क्या है जब 1 ओम प्रतिरोध का आर्मेचर आर्मेचर के साथ एक श्रृंखला में जोड़ा जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 4 आ जाएगा, ओके 4 आ जाएगा क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में नीचे देख लेते हैं, ओके। तो ये AE में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स LMR से AE में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए प्रारंभिक अवस्था में गति 0 होती है अतः विरोधी विद्युत वाहक बल भी 0 होगा, विरोधी विद्युत वाहक बल भी 0 होगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो ओके तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। और फाइनली सारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद में जो इंस्टॉलिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको 4 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इन डीसी शंट मोटर अस लोड इज रिड्यूस देन द स्पीड विल बी। अर्थात डीसी शंट मोटर में जब भार कम हो जाता है तो गति को क्या
होता है तो गति क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर को हम देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर में सॉरी उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहते हैं, स्थिर बोल ये कम बोल दें लगभग स्थिर रहते हो कि, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट अर्थात लगभग स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए, चलिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बोला गया है डीसी शंट मोटर में जब भार कम हो जाता है तो गति लगभग स्थिर रहेगी, जिसके जनित्र के प्रभावी शक्ति अर्थात बाह्य और बाह्य लोड परिपथ को प्रदान की गई धारा के समानुपाती होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके शंट क्षेत्र धारा को न्यूनतम रखा जाए। शंट क्षेत्र धारा को निर्धारित आर्मेचर धारा का लगभग 25% रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच डीसी मोटर हैज़ गोट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी, अर्थात किस डीसी मोटर में अधिकतम स्वयं भार उठाने की क्षमता होती है, तो वो होते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन डी, अंतरीय संयोजित अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में अधिकतम स्वयं भार उठाने की क्षमता होती है। संचयी कंपाउंड मोटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर आकस्मिक यांत्रिक लोड पड़ता है, जहां आकस्मिक गहरे कट लगाने पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है अस कंपेयर टू एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इन ए डीसी मोटर इज, अर्थात एक प्रेरण मोटर की तुलना में एक डीसी मोटर में एयर गैप कितना होता है, तो उसमें जो होता है मैक्सिमम होता है। ओके, इससे मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन डी, एक प्रेरण मोटर की तुलना में एक डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में एयर गैप अधिक होता है, जनरेटर में एयर गैप 20% तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज यूजली प्रोवाइडेड विथ थिक वायर, अर्थात एक डीसी श्रृंखला मोटर में फील्ड वाइंडिंग में आमतौर पर एक मोटी तार दी जाती है और शंट में पतली दी जाती है, ये आपको पता है। तो वो क्यों दी जाती है, तो वो होती है क्योंकि वो बड़े भार की धारा उसमें हाई करंट फ्लो होता है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, अस इट्स कैरिंग लार्ज लोड करंट, अर्थात क्योंकि वह बड़े भार की धारा प्रवाहित होती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन सी, डीसी सीरीज मोटर के क्षेत्र कुंडलन में आमतौर पर मोटे विद्युत तार के बनाए जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र कुंडलन से होकर उच्च भार धारा प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंजेड देन, अर्थात एक डीसी शंट मोटर में यदि उत्तेजक बदला जाता है तो क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो चेंज होता है लेकिन पावर्स लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, अर्थात आघूर्ण बल बदल जाएगा लेकिन शक्ति स्थिर रहेगी, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है ऑप्शन बी, एक डीसी शंट मोटर में यदि उत्तेजक बदला जाता है तो आघूर्ण बदल जाएगा
लेकिन शक्ति नियत रहेगी, जो कि आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और फॉर्मूला हम जानते हैं कि आई एस एच बराबर वी अपॉन आर एस एच होता है, आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच होता है, और वी बराबर ई माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है मोटर कंडीशन, और जनरेटर की कंडीशन में जो होता है हमारा जनरेटर की कंडीशन में जो होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो देखिए जनरेटर कंडीशन में फार्मूला हमारा ये होता है। ओके, जनरेटर कंडीशन में हमारा फार्मूला ये वाला होता है, और मोटर की कंडीशन में फार्मूला ये वाला होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है व्हाट लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली यूज है, यूज ओके यूज किसके लिए किया जाता है हम बेसिकली इस व्हाट लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक क्या है, तो इसको क्या है, इसमें क्यों यूज़ करते हैं, ये एक हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ओके, व्हाट लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से क्या है पूछा गया है, तो ये जो होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, व्हाट लियोनार्ड मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में नीचे देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या दिया है डिटेल में। ओके, बोला गया है ऑप्शन ए, व्हाट लियोनार्ड मूल रूप से एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है, इस विधि में मोटर का शंट क्षेत्र स्थायी रूप से स्थिर वोल्टेज के पार्श्व में संयोजित होता है, परंतु मोटर के आर्मेचर को कई विभिन्न वोल्टताए बैलेंस सेट द्वारा प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग, अर्थात डीसी शंट मोटर का उपयोग किसे चलाने के लिए होता है, तो जो है डीसी शंट मोटर का उपयोग सर्वाधिक जो होता है हमारा मशीन टूल्स को चलाने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मशीन टूल्स। ओके फिर चलिए, फिर डीसी शंट मोटर जो होता है हमको कांस्टेंट स्पीड देता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, दिया हुआ है डीसी शंट मोटर का उपयोग मशीन उपकरणों को चलाने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फ्लोविंग टेस्टेड विथ विल बी सुटेबल फॉर टेस्टिंग टू सिमिलर डीसी सीरीज मोटर ऑफ लार्ज कैपेसिटी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बड़े क्षमता के दो समान डीसी श्रृंखला मोटर के परीक्षण के लिए उपयुक्त तो होता है, तो ये जो जानते हैं हम ये होता है हमारा फील्ड टेस्ट परीक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, फील्ड टेस्ट अर्थात क्षेत्र परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, और स्विन बर्न जो होता है हमारा नो लोड टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र परीक्षण बड़े क्षमता के दो समान डीसी श्रृंखला मोटर के परीक्षण के लिए उपयुक्त तो होगा, इस विधि में श्रेणी मोटर के क्षेत्र में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध या परिवर्तक लगा दिया जाता है, अर्थात फाई समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के, इस विधि से निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। ओके, तथा इस विधि में कम शक्ति का खर्च होता है, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गया है इफ ए डीसी शंट मोटर इज वर्किंग एट फुल लोड एंड इफ शंट फील्ड सर्किट सडनली ओपन्स, अर्थात यदि एक डीसी शंट मोटर पूरे भार पर काम कर रही हो और यदि शंट क्षेत्र परिपथ अचानक खुल जाए तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा अगर खुल जाए तो हमारा जो आर्मेचर होता है आर्मेचर के ऊपर जो विद्युत धारा है वो पूरा आ जाएगा, वो उठा लेगा और वो क्या संभव लगभग वो क्या है जल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर हमको दिया है
ऑप्शन नंबर हमारा ए में सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोला गया है। दिस विल मेक आर्मेचर टू टेक हेवी करंट पॉसिबली बर्निंग इट, अर्थात आर्मेचर उसके भारी विद्युत धारा का भार उठा लेगा और संभवतः वह उसे जला देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन ए, यदि एक डीसी शंट मोटर पूरे भार पर काम कर रही है और यदि शंट क्षेत्र परिपथ अचानक खुल जाता है तो आर्मेचर उसके भारी विद्युत धारा का भार उठा लेगा और संभवतः वह उसे जला देगी। ओके, और भी फॉर्मूला तो हम जानते हैं। ओके सो इसमें बोला गया है 5 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। ओके बोला गया है लेकिन टॉर्क लोड टॉर्क को मौजूद रहेगा, इसको मेंटेन करने के लिए आर्मेचर में अधिक धारा प्रवाहित होगी जिससे मोटर जल जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारा, बोला गया है ए 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर, 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेकन 32 एम्पियर एट फुल लोड। द बैक ईएमएफ ऑफ द फुल लोड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ मोटर आर्मेचर एंड शंट फील्ड वाइंडिंग आर 0.2 ओम एंड 115 ओम रिस्पेक्टिवली विल बी, अर्थात पूरे भार पर एक 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर 32 एम्पीयर लेती है, तब मोटर आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग की प्रतिरोधकता क्रमशः 0.2 ओम और 115 ओम है, तो पूरे भार पर बैक ईएमएफ कितना होगा? तो बैक ईएमएफ कितना होगा उसको देखते हैं। बैक ईएमएफ जो होगा हमारा इसमें 224 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले, हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जिसे पिछले इसमें बताया था मैं आपको, ISH बराबर V ओपन RSH होता है। इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 2 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं कि आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट माइनस शंट करंट, तो उसमें जो 32 माइनस 2 हो जाएगा तो हमारा ये 30 एम्पेयर हो जाएगा। उसके बाद में बैक ईएमएफ जो होता है हमारा, बैक ईएमएफ मोटर की कंडीशन में हो जाएगा वी माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जाएगा 224 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इन ए डीसी मोटर कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू, अर्थात एक डीसी मोटर में स्थायी आघूर्ण बल की किस कारण उत्पादित होता है? तो वो हमारा कम्यूटेशन के कारण होता है। ओके तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, दिया हुआ है ऑप्शन ए डी, एक डीसी मोटर में स्थायी बल आघूर्ण दिक परिवर्तक कम्यूटेटर के कारण उत्पादित होता है। दिक परिवर्तक वी आकार में के खाचों में लगाए जाते हैं ताकि मशीन के घूमने पर उपकेंद्रीय बल के कारण खंडों के बाहर निकलने की संभावना न रहे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द मैक्सिमम एंड प्ले ऑफ ए मोटर इज अबाउट, अर्थात एक मोटर का अधिकतम एंड प्ले कितना होता है? तो वो कितना होता है, वो होता है 0.4 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है 0.4 mm, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखिए, ये दिया है एक मोटर का अधिकतम एंड प्ले जो होता है 0.4 mm होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज इक्वल टू, अर्थात एक डीसी मोटर द्वारा निर्मित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? तो वो हम जानते हैं कि किसके बराबर होती है, मैकेनिकल पावर बराबर होता है
बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट अर्थात बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर धारा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन बी, एक डीसी मोटर द्वारा निर्मित यांत्रिक शक्ति बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर धारा के बराबर होती है, और उत्पादित शक्ति बराबर निविष्ट शक्ति अर्थात इनपुट माइनस क्षेत्र क्षेत्र आर्मेचर ताम्र हानि के बराबर होता है, और बाकी ये फॉर्मूले होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, द वेरिएबल रेजिस्टेंस शंटिंग द फील्ड ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड, अर्थात जो एक डीसी श्रृंखला मोटर के फील्ड को परिवर्तनीय अवरोध शूटिंग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमको फील्ड डाइवर्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फील्ड डाइवर्टर। ओके चलिए इसके बारे में देख लीजिए। दिया हुआ है ऑप्शन सी, जो एक डीसी श्रृंखला मोटर के फील्ड को परिवर्तनीय अवरोध करता है उसे फील्ड डाइवर्टर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। बोला गया है स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन ए डीसी मोटर प्रोवाइडेड अस, अर्थात एक डीसी मोटर में आर्मेचर परिपथ की प्रतिरोधकता में बदलाव लाकर गति नियंत्रण करना क्या प्रदान करता है? तो वो इस तरह टॉर्क को ड्राइव प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बाकी डी में दिया है, तो इन तीनों में से हमारा ए सही होगा। ओके फ्रेंड तो इसमें देख लेते हैं, केवल ए मतलब ओनली वन, वही एक ही सही होगा। ओके फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में बोला गया है, चलिए बोला गया है ऑप्शन ए, एक डीसी मोटर में आर्मेचर परिपथ की प्रतिरोधकता में बदलाव लाकर गति नियंत्रण करना स्थायी टॉर्क प्रदान करता है। विद्युत वाहक बल दिष्ट धारा में एक अभिनियंत्रण का कार्य रहता है। ओके विद्युत वाहक बल का होता है बैक ईएमएफ बराबर फ्लक्स फाई और स्पीड एन और नंबर ऑफ कंडक्टर जेड और नंबर ऑफ पोल पी होता है अपॉन 60 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए होता है वोल्ट में। ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द फ्लोविंग गिवेन फिगर ओके रिप्रेजेंट, अर्थात दिया गया निम्नलिखित आरेख क्या दर्शाता है? तो ये जो होता है स्पीड और लोड करंट बता रहा है, और ये इस प्रकार का वह है, तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज मोटर के लिए। ओके तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्पीड एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज मोटर, अर्थात एक श्रृंखला मोटर की गति प्रवाह विशेषताएं बताता है, जो हमको डायग्राम दिया गया है। ओके इसके बारे में देख लीजिए। चलिए बोला गया है ऑप्शन बी, दिया गया आरेख एक श्रृंखला मोटर की गति प्रवाह विशेषता को दर्शाता है, यह आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, अर्थात इनमें से कौन सा कथन सही है? इन कथन देख लेते हैं हम। ओके इन कथन में से जो है हमारा कथन सही जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, क्योंकि इसमें बोला गया है इन ए ब्रशलेस डीसी मोटर द रोटर हैज़ परमानेंट मैग्नेट, तो ब्रशलेस डीसी मोटर में जो रोटर होता है हमारा वो होता है परमानेंट मैग्नेट का, तो बोला गया बिना ब्रश वाले डीसी मोटर में घूर्णक में स्थायी चुंबक होता है, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए इसके बारे में और देख लीजिए, बोला गया है ऑप्शन बी, बिना ब्रश वाले डीसी मोटर में घूर्णक में स्थायी चुंबक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। बोला गया है इन ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस द डेवलप टॉर्क डेवलपेड अपॉन, अर्थात एक विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक उपकरण में उत्पन्न बल आघूर्ण निम्न पर
करता है, तो वो किसके ऊपर करता है वो हम देख लेते हैं। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हमको देखना है। तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर इसमें से चला जाएगा, स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल, अर्थात स्टेटर क्षेत्र और रोटर क्षेत्र सामर्थ्य तथा बल आघूर्ण कोण पर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन सी, किसी विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन उपकरण, नंबर एक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यह हम जानते हैं। नंबर दो डिस्जनरेटर जो होता है हमारा, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सारी बातें आप जानते हैं। और इन दोनों मशीनों में स्टेटर क्षेत्र तथा रोटर क्षेत्र द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की स्ट्रेंथ जो होता है, अर्थात सामर्थ्य तथा बल आघूर्ण कोण के द्वारा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो छोटे क्यों हो रहे हैं और जो अनवांटेड वॉइस क्यों आ रही है, तो फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है कि हम अभी आउट ऑफ इंदौर हैं, ओके, आउट ऑफ एरिया में हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो अनवांटेड चीज़ें का हमको थोड़ा फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए वीडियो को भी थोड़े शॉर्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और ये अनवांटेड वॉइस आ रही है, इसको आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इसके बाद में जब जैसे हम इस आउट ऑफ एरिया से चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है हम कंटिन्यू लेंथी वीडियो देना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे किसी प्रकार की वॉइस की भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा आप इसमें मैनेज कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल को भी थोड़ा शॉर्टली ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आउट ऑफ एरिया में और हमको जल्दी वीडियो ये ख़त्म करना है, क्योंकि जो है हम यहाँ पे अनवांटेड नॉइस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि आप इसमें वीडियो में भी सुन रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।